हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो कैसे हैं आप सब? तो T20 के अंदर आपका स्वागत है फिर से। अब हमारा दिन का टाइम हो गया। देखिए, T20 दिन में दो बार होता है। ओके, वीकेंड्स को दो मैच होते हैं, एक 4 बजे होता है फिर एक 8 बजे होता है। तो अब 8 बजे हमने थोड़ा बंद कर दिया है और हमने अब 4 बजे वाले टाइमिंग के ऊपर मैच स्टार्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, 9 बजे सब देख रहे होते थे रामायण, और जो 4 बजे है वो आप लोग आजकल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एवरीबडी इज इन द होम, सो दे आर फ्री, सो दे कैन वॉच आर सेशन। सो दैट्स वाई वी स्टार्टेड, वी हैव चोजन दिस टाइमिंग। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गेट द क्लासेज ऑफ T20 एट 4 PM ओनली। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है, टू गेट द PDF एंड अलोंग विद दैट टू ओके सो ऑल दीज थिंग्स कि 4 बजे आपकी क्लास होगी आज से। ओके, कब से क्लास होगी? 4 बजे। कल से भी आपकी क्लास 4 बजे हुई थी, अब भी आपकी क्लास 4 बजे, कल भी आपकी क्लास 4 बजे ही स्टार्ट होने वाली है। एंड बिकॉज नाउ द एग्जाम इज कमिंग क्लोजर, देर इज नो सच थिंग कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो फोकस ऑन द डी डे, दैट इज 31 मई। इफ यू गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो ऑन ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस वी हैव लॉन्च्ड अवर टेस्ट सीरीज फॉर द IAS। ओके, आप वहां पे जाके, नीचे जाके वो परचेज कर सकते हैं। दैट इज वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ अभिमन्यु IAS की वो टेस्ट सीरीज है। ओके, इन इंस्टीट्यूशन जो कि 20 साल से इस फील्ड के अंदर है, वो आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है प्रीलिम्स की। यू कैन गो देयर एंड यू कैन डील विद दैट। तो अभी बाकी बच्चे जो हैं, ओके, संगम यादव गुड इवनिंग बेटा, चंद्रकांत रेड्डी गुड इवनिंग, ओके, defensetaiyari.com की वी वांट टू, you have my number, you can go on our page and okay, you can just go on my page, link पे जाइए और वहाँ पे आपको WhatsApp का ऑप्शन मिलेगा। you can go and WhatsApp the concerned person if you want to contact me, okay? plus हमने तो बहुत बार अपने नंबर वगैरह बताए हुए हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं। okay, so बाकी बच्चे भी, अगर आवाज़ में, वीडियो, ऑडियो, विजुअल किसी के अंदर if you are finding any kind of problem, then please अभी बता दीजिए, बिकॉज वंस वी स्टार्टिंग आवर T20, उसके बाद हम नहीं रुकने वाले। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन्वायरमेंट के। आपको पता है कि सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इवन आई एंजॉय टीचिंग इन्वायरमेंट, आई रियली एंजॉय टीचिंग इन्वायरमेंट एंड डिस्कसिंग द क्वेश्चन विद यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। और पहले मैं आज आपके टॉपिक आपको बता देता हूँ, टॉपिक, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द सेशन। यू गाइज आर नॉट शेयरिंग द सेशन, प्लीज शेयर द सेशन सो दैट हमको ज़्यादा मोटिवेशन रहे पढ़ाने के लिए। ओके, तो टॉपिक है आज का बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको सबको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड अलोंग विद दैट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। If you want to get PDF of these notes, you can, obviously baat hai, you can register on the link. If you want to have access to the previous classes, then what you can do, you can just go to the link and you can register yourself. And if you just want to watch the classes, then you have to subscribe the channel. And please hit the bell icon so that aapko jab bhi hamara session live ho, aapko notification aa jaye. So Kapil Singla, good evening. Nisha Jha, good evening. Shweta, good evening. Okay, please just share the session so that we can start the session. और आज मेरा टारगेट है टू डिस्कस 24 क्वेश्चंस इन 1 आवर। एक घंटे के अंदर हम 24 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यू गाइज हैव टू बी वेरी एक्टिव, एकदम T20 वाले मोड के अंदर आ जाइए। आपका माइंड बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए। यू हैव टू थिंक 360 डिग्री। आई विल गिव 20 सेकेंड्स टू एवरी क्वेश्चन एंड इन, और उसके अंदर हम एकदम आपके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो फटाफट अपने फोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको स्कोर पता ही होगा। ओके, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं बता रहे हैं कि हमारा कितना कितना स्कोर आया है, जिसकी वजह से कट ऑफ मार्क्स के बारे में आपको, देखो, इतना नहीं पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वी आर नॉट गोइंग गिविंग एनी काइंड ऑफ होक्स इफ वी आर गोना गेट द मार्क्स। ओके, अगर हमें पता चला कि कितने मार्क्स का ज़्यादा एक पर्टिकुलर हमें सेट मिलेगा डेटा का, उसके बाद ही हम आपको कट ऑफ मार्क्स बता पाएंगे ऑफ आवर टेस्ट। ओके, तो भावेश वैष्णव का आंसर आ गया पहले क्वेश्चन में। ओके, सी क्वेश्चन क्या है पहले बेटा, ये तो पढ़ लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर प्लांट्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स टुगेदर कंप्राइज
22% of the total species. Select the incorrect statement. 1 only, 2 only, C both and D none. So this is the question. Ye question hai aapka, aur please start your answer because you have 20 seconds to go. 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds aapke paas aur aap aa jaiye 20 second ke andar andar. Answer Bhavesh Vaishnav keh rahe D. Pehle keh rahe the C. कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछ रहा है. संगम यादव बी, चंद्रशेखर रेड्डी सी, शिवानी राणा सी, सोनाली मेहरा डी. ओके 20 सेकंड्स के अंदर, 7 सेकंड हुए हैं अभी और आपके पास टाइम है. आई एम वेटिंग. चलिए, मोर देन 70% ऑफ द ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर प्लांट्स. ये कह रहे हैं स्टेटमेंट कि जितने भी आज तक दुनिया के अंदर स्पीसी पाए गए हैं उसमें से 70% प्लांट्स हैं. ओके ये कह रहे हैं. शिव कह रहे हैं सी, रूही कह रहे हैं डी. सेकेंड है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, वो 22% है टोटल स्पीसी के, जितने भी लोग हैं उनमें रेप्टाइल और मैमल्स वो 22% है. सो इज आर दे करेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी टुडे. तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आंसर आ रहा है संगीता खैरा कह रही है डी, बसंत चौधरी कह रहे हैं डी, पीयूष सेठ कह रहे हैं डी. चलिए आंसर बता देता हूँ. चलिए फटाफट आंसर मैं आपको बता देता हूँ. आंसर है इसका ऑब्वियस ही बात है सी. मैंने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, किस कब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया. वट आई हैव आस्क्ड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मैंने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी. क्या पूछी थी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी. आप सबने बताने लगे करेक्ट स्टेटमेंट. तो देख लीजिए, दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन. मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स. ओके वो एनिमल है. 70% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज आर एनिमल्स. एनिमल्स वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर नो मोर देन 20%. सो इट द स्टेटमेंट्स वर वाइस वर्सा. ओके अगली स्टेटमेंट क्या कहती है? अमोंग एनिमल, एनिमल्स के अंदर से इंसेक्ट्स, इंसेक्ट है उनकी सबसे रिचेस्ट टैक्सोनॉमी है. ओके जो कि 70% ऑफ टोटल एनिमल्स का पाया जाता है इंसेक्ट्स. आफ्टर दैट द नंबर ऑफ फंगाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ओके चलिए, तो जिन बच्चों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए डी बताया कि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है उनका आंसर गलत है, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है. ओके तो जो जिनको कोई प्रॉब्लम है तो बता देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो डी कह रहा है नन, मतलब इसके हिसाब से मतलब ये बनता है कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. डी का मतलब ये बना है. ओके सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट नन. आंसर है बोथ, बोथ दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. ओके सो रोहित जी आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताया, आपने करेक्ट, आपका आंसर गलत है, आपका आंसर होना चाहिए था सी लेकिन आपने आंसर दिया है डी. सो दिस इज इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस यू विल फाइंड द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट. कहां पे? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर, अफ्रीकन सवाना के अंदर, कोंगो रिवर बेसिन के अंदर या फिर साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट के अंदर. ओके यू विल फाइंड द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लेनेट. कहाँ पे मिलेगी आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन. अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका के सवाना के अंदर, कोंगो रिवर बेसिन के अंदर. सोनाली मेहरा कह रहे हैं ए, चंद्रशेखर रेड्डी कह रहे हैं ए, बसंत चौधरी कह रहे हैं सी एंड साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट के अंदर. तो बता, संगीता खैरा कह रहे हैं ए, शिवानी राणा ए, स्वाति कुमार ए, कमान्या शर्मा ए. चलिए बहुत सारे आंसर आ गए हैं फटाफट, बहुत जल्दी. चलिए आज वी गोना डू, एक घंटे के अंदर हमें सारे क्वेश्चन करने. कितनी देर में करने? इन वन आवर. इन वन आवर वी गोना लर्न सो मच थिंग्स टुडे. चलिए आंसर इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, अमेजोन का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका का, उसके अंदर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे. द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द प्लेनेट. रिसेंटली इन यहाँ पे फायर हुई थी जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर था. बिकॉज ऑफ द फायर दैट्स वाई एक क्वींसलैंड के अंदर फायर हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर, और दूसरी फायर यहाँ भी लगी थी जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था ब्राज़ील के अंदर. दैट्स वाई. ओके दैट्स वाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. इट वॉज अ रादर सिंपल क्वेश्चन बट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कान चाहे यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, यूपीएससी वाले पकड़ेंगे ज़रूर. ओके इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ लीजिए फटाफट. क्वेश्चन नंबर थ्री, बेटा डाइवर्सिटी क्या कह रही है? इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स. दूसरी कह रही है गैमा डाइवर्सिटी. इट इज़ अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन ए रीजन. ओके विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? बेटा डाइवर्सिटी के सामने इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम. गैमा डाइवर्सिटी के अंदर है इट इज़ अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन ए रीजन. और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन? कम ऑन, गिव मी द आंसर, आंसर दीजिए फटाफट। ये फटाफट ओके, थ्री सोनाली मेहरा कह रहे हैं, सी संगीता खेरा कह रहे हैं, ए। चलिए देखते हैं आंसर इसका फटाफट, और लोग बेटा फटाफट आंसर दीजिए। चंद्रशेखर रेड्डी कह रहे हैं सी, प्लीज क्वेश्चन नंबर अगर आप पुट कर देंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि नेट की स्पीड काफ़ी कम है आजकल हर जगह, तो अगर आप क्वेश्चन को बच्चों के क्वेश्चन ऊपर नीचे आंसर आते रहते हैं तो मेरे लिए थोड़ा इजी रह जाता है। शिवानी रैना सी, श्वेता सियाग बी, शिवानी रैना सी, पीयू सेठ सी, रिवी बी। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका फटाफट, अगेन आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर क्या है इसका सी। देखिए लर्निंग क्या है इसके अंदर, जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है, इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक इकोसिस्टम है उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर जो समझाया था, उसके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसको कहते हैं हम नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से, उसको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। ओके, बेटा डाइवर्सिटी होते हैं, इट इज अ कंपेरिजन। ओके, क्या है, इट इज अ कंपेरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इको सिस्टम विद इन इको सिस्टम। ओके, मतलब कि अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन इको सिस्टम, दो इकोसिस्टम्स के बीच में। ओके, एंड थर्ड है गेमा डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन ए रीजन, मतलब वो बड़े लेवल के ऊपर हो गया, रीजनल लेवल के ऊपर हो गया, इकोसिस्टम वाले लेवल के ऊपर नहीं है। ओके, ये क्या होते हैं सारी चीजें, ये भी आपको आज आने वाले क्वेश्चन के अंदर समझ में आने वाला है। सो यू आर सेट अप फॉर ए वेरी गुड सेशन टूडे, जहां तक मेरे को लगता है, बाकी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग, द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स इट इज अ रेशियो ऑफ वन स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन द गिवन बायोम। क्या है ये, इट इज अ रेशियो ऑफ वन स्पीसी ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट आई नीड टू डू, आई विल ओपन द पीपीटीज इन माई फोन सो दैट आई कैन रीड इट मोर, स्क्रीन यहाँ छोटी है ना थोड़ी, इसलिए। चलिए वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर, यस, तो द क्वेश्चन नंबर फोर इज द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स दैट इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन द गिवन बायोम। ओके, मतलब क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ एक पर्टिकुलर स्पीसी की सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, अक्रॉस टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको कहते हैं। सेकंड कंडीशन वेयर फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट। ओके, सी ए द नेशंस एंडोर्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोर मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी टू डिराइव प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है नेशंस दैट प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लोइटिंग नेचुरली ओकरिंग बायोकेमिकल जेनेटिक मटेरियल। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, शिवानी राणा कह रहे हैं सी, शिव कह रहे हैं सी, स्वाति कुमार कह रहे हैं, अभी तक सिर्फ तीन आंसर आए हैं मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन के, नहीं पाँच, निशा जा कह रहे हैं सी, श्वेता सिया कह रहे हैं डी, रूही कह रहे हैं सी, पीयूष सेठ कह रहे हैं सी। चलिए आंसर आ गए हैं और आप लोगों ने सबने करेक्ट आंसर दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लूँगा। तो आंसर क्या हो गया आपके, बायोपायरेसी, आंसर है सी। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आपको पता चलेगा कि है कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई ऐसे गरीब देश है जिसके पास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, तो वट दे आर ट्राइंग टू अचीव देयर कि दे आर इंटरेस्टिंग, मतलब दे आर मेकिंग, दे आर डूइंग रिसर्च कि किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम इकोनॉमिकली यूज़ करके थोड़े अमीर बन जाएं। ओके, फॉर एग्जांपल वो टूरिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, कई बार जो बायोडाइवर्सिटी होती है उनके अंदर काफ़ी जड़ी बूटियां टाइप मिल जाती हैं, हर्ब्स मिल जाते हैं जिससे वो कोई मेडिसिन बना पाएं, तो ये वाली सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी एक टर्म और है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो फोर्थ के अंदर डी ऑप्शन था, दैट इज अबाउट बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, ओके, उनके पास एक बहुत अच्छा स्पीसी है, उनके पास कोई हर्ब है या फिर उनके पास कोई नॉलेज है उस हर्ब को यूज़ करने की, और किसी ने क्या किया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है और एक डेवलप्ड कंट्री आई बाहर से, हमारे ट्राइबल्स का फॉर्मूला चुराया, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, बाद में उनका नाम भी नहीं लिया। ओके, सो दैट इज़ बायोपायरेसी, कि हमारे स्पीसी को अपने नाम से यूज़ करना। ओके, दैट इज बायोपायरेसी। द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लोइटिंग नेचुरली ऑकरिंग बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल एस्पेशली बाय ऑब्टेनिंग पेटेंट्स दैट रेस्ट्रिक्ट इट्स फ्यूचर यूज, मतलब कि जो ट्राइबल बेचारे हैं उन्हीं को यूज करने से रोक दिया, वाइल फाइलिंग टू पे देयर कंपनसेशन, और उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया टू द कम्युनिटी फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट्स। तो दिस इज बायो
piracy. These both term bioprospecting is good, it is a positive thing, and biopiracy is a negative term. दोनों के अंदर mainly फायदा ये है कि research तो obvious ही बात है, जो urban population है, संस्था है, research development institutions है, वही करते हैं. लेकिन दोनों में main फर्क क्या है कि bioprospecting के अंदर जो indigenous people हैं उनको फायदा मिलता है, जिनके पास वो traditional knowledge रहती है, लेकिन biopiracy के अंदर उनको वो फायदा नहीं मिलता है. ओके, सो द मेन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बायो चीजें दोनों एक ही हैं, लेकिन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म के अंदर. चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन द योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज की स्टोन स्पीसीज? टाइगर, लायन, एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल. कर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड कंसिडर्ड एज ए की नोट स्पीसी? इनमें से कौन से एक की नोट स्पीसी हैं? बताइए फटाफट, इनमें से कौन से की नोट स्पीसी हैं? बताइए 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 फटाफट. Which of the following can be considered as a keynote species? Tiger, lion, elephant, crocodile. बताइए फटाफट कि which of the following can be considered as a keynote species? Tiger, lion, elephant and crocodile. तो शिव कह रहे हैं D, रोहित कह रहे हैं, रूही कह रहे हैं D. All of the above, okay. बाकी लोग फटाफट आंसर दीजिए. संगम यादव कह रहे हैं D, शिवानी राणा कह रहे हैं D. And please share the session. Okay, पीयूष सेठ कह रहे हैं D, संगीता खैरा कह रहे हैं D. Okay. निशाचार डी, भवेश वैष्णव डी, बाकी लोग भैया, कपिल सिंगला डी, ओके. चलिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है डी. जो कीस्टोन स्पीसी है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि अगर ये हट जाएं सिस्टम से या ज्यादा ऐड हो जाएं तो क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी को हार्म होगा. ओके, फॉर एग्जांपल जो टॉप मोस्ट कार्निवोर होते हैं, जो टॉप प्रेडेटर होते हैं, वो सारे के सारे कीस्टोन स्पीसीज होते हैं. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर टाइगर हट गया तो हिरण की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हिरण की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो घास खा जाएंगे सारे के सारे, और इवेंचुअली वो खुद भी मर जाएंगे. ओके, सो दिस इज द केस. ये सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं, टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, दीज आर द टॉप प्रीडेटर्स एंड दे आर कीस्टोन स्पीसीज. ओके, कीस्टोन स्पीसीज का मतलब आप सबको पता ही है, एक ऐसा स्पीसीज जिसके हटने से पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल चेन है, पूरी की पूरी जो स्पीसीज जो हमारे इकोसिस्टम के साइकिल है, वो ब्रेक होने का खतरा रहता है, दैट इज कीस्टोन स्पीसीज. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच्ड फ्लैग फिक्स ऑल प्रीडेटर्स टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, एलिफेंट एडिशन टू रिमूवल distort the existing food chain in the ecosystem. Exactly, Kapil Singla ji, you have given the correct information. चलिए, which of the following, last ball है, इसके बाद आपका score पूछूंगा. पहला question सबका गलत था, याद रखना. Which of the following pairs incorrectly matched flagship species? Okay, and सामने लिखा है region कि वहां से कहां कौन कौन सा flagship species है. Elephant, Africa, tiger, India and giant panda, China. तो इनमें से कौन कौन से incorrectly matched हैं, ये आपको पता होना चाहिए. बताइए, फ्लैगशिप स्पीसी क्या होते हैं, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर फ्लैगशिप स्पीसी किस चिड़िया का नाम है. फर्स्ट यू शुड नोट कि फ्लैगशिप स्पीसी क्या होते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा. टाइगर के सामने अफ्रीका है रीजन, सॉरी, एलिफेंट के सामने अफ्रीका है, टाइगर के सामने इंडिया, और जाइंट पांडा के सामने चाइना है. ओके, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो. वट यू नीड टू फाइंड इज इनकरेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट्स. अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो जो फ्लैगशिप स्पीसी होता है वो क्या करता है. फ्लैगशिप स्पीसी ये करता है बेटा, सिंपली कि उसके नाम के ऊपर उस इकोसिस्टम की पहचान होती है. ओके, उस इकोसिस्टम की, उस रीजन की, उस फॉरेस्ट की, उसके नाम पे पहचान होती है. ओके, इंडिया के अंदर जो आपको पता होगा. ओके, हेलो राजेंद्र चौधरी जी, ये हमारे टेक्नीशियन है, जो हमारे इंजीनियर है, हमारे जो हमारी सारी चीज़ें चलाते हैं. ओके, यस राजेंद्र चौधरी जी, चलिए देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो. चलिए, कपिल सिंगला कह रहे हैं सी, निशा जा कह रहे हैं सी, मतलब नन आर इनकरेक्टली मैच. तो बिल्कुल बेटा करेक्ट एकदम. ओके, तो सी बिल्कुल, फ्लैगशिप स्पीसी इज द स्पीसी विच इज चोजन टू रिप्रेजेंट द इन्वायरमेंटल कोज. ओके, सच एज इकोसिस्टम इंडेड विद कंजर्वेशन. मतलब कि भैया इसको बचाना है तो हमें सबको बचाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, और जितने भी प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, उनके अंदर इसी
फ्लैगशिप पीसी के बेसिस के ऊपर ही वो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं. ओके उसके अंदर मेन चीज ये देखते हैं कि इफ यू वांट टू सेव द टाइगर्स यू जस्ट कैन नॉट पुट देम ओके इन आइसोलेशन की भाई हम इनको बचा लेंगे कंजर्व कर लेंगे. इफ यू वांट टू सेव दैट पर्टिकुलर स्पीसी तो आपको उसका पूरा इकोसिस्टम बचाना पड़ेगा, आपको उसका फॉरेस्ट बचाना पड़ेगा, आपको उसका खाना बचाना पड़ेगा, सब कुछ बचाना पड़ेगा. दैट्स वाई इफ यू वांट टू सेव द टाइगर यू हैव टू सेव द डियर्स, यू हैव टू सेव द डियर्स एंड अदर एनिमल्स सो दैट द फूड चेन कैन नॉट बी डिसरप्टेड. ओके दिस इज इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले स्कोर तो आप लोगों ने बताया ही नहीं, स्कोर बताइए, स्कोर बताइए. चलिए फटाफट क्वेश्चन हट गए हैं एंड आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टू शेयर योर स्कोर्स. एंड अगर आपको कल चाहिए कट ऑफ तो, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं. इफ यू वांट टू हैव द कट ऑफ देन प्लीज कमेंट द मार्क्स डिस्क्रिप्शन में. ओके चलिए शिव कह रहे हैं 6, 5 out of 6. वाह कौन सा पहला क्वेश्चन? 3 out of 6. संगीता शिवानी राणा 6 out of 6. ओ चंद्रकांत रेड्डी कह रहे हैं 6 out of 6. स्वाति कुमार 3 out of 6. ओके 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 चलिए. कपिल सिंगला 5 out of 6. रूही 5 out of 6. चलिए नेक्स्ट को. चलिए बहुत सही. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन. कंसीडर द फॉलोइंग. ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेबल कम्युनिटी. स्टेबल कम्युनिटी के अंदर के जो स्टेबल कम्युनिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. There is not much variation in productivity from year to year. पहली स्टेटमेंट ये कहती है. ओके सेकेंड स्टेटमेंट कहती है they are vulnerable to disturbances. The third statement says they are resistant to invasions by alien species. ओके बताइए आंसर. 1 and 3 only, 2 and 3 only, C none या फिर D all of the above. कम ऑन फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए फटाफट. आई नीड आंसर फ्रॉम यू गाइज. ओके बता दीजिए फटाफट. चंद्रशेखर रेड्डी कह रहे हैं 7 का ए. शिवानी राणा कह रहे हैं ए. पीयूष सेठ कह रहे हैं ए. चलिए 1 and 3 only. बहुत बढ़िया बेटा समझते हो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं. एग्जैक्टली निशा जा कह रहे हैं ए. सो 20 seconds आर ओवर एंड वी आर गोइंग टू द आंसर. तो आंसर है इसका ए. स्टेबिलिटी ए स्टेबल कम्युनिटी. एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? इट मीन्स कि जिसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते. वो अगर छोटे मोटे डिसरप्शन आ भी जाते हैं तो उसके बाद क्या है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ के अंदर आजकल डिसरप्शन आया हुआ है कोरोना का, बट ह्यूमन बींग्स आर ए स्टेबल कम्युनिटी. सो ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस. कई बार भूकंप भी आ जाता है बट हम क्या है अर्थक्वेक हो गया वोल्केनो हो गया इससे वी कैन नॉट गेट एक्सटेंटेड. हम एक्सटेंट नहीं हो सकते. दिस इज व्हाट ए स्टेबल कम्युनिटी मीन्स. कि अगर कई बार बाढ़ भी आई है, कई बार अर्थक्वेक भी आया है, कई बार सूखा भी पड़ा है तो दैट डजंट मीन दैट डिसरप्ट बट वी सर्वाइव बिकॉज ह्यूमन कम्युनिटी इज ए स्टेबल कम्युनिटी. ओके दिस इज समथिंग. चलिए सबका आंसर करेक्ट था इसके अंदर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. ये बेटा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. मैं आपको पहले डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, कल मैं जब डाल रहा था तभी मैंने, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो मैंने आपके कंटेंट के लिए डाला है. यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती. यूपीएससी डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ. यूपीएससी डज नॉट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. आई जस्ट वॉन्टेड टू बिल्ड सम कंटेंट एंड शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज. दैट्स वाई आई पुट द क्वेश्चन नंबर 8 and question number 9. ओके तो अगर आपको नहीं आता तो प्लीज डोंट गेट डीमोरलाइज. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज डोंट गेट डीमोरलाइज बिकॉज यूपीएससी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती. तो क्वेश्चन है प्लस प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा. 2 rams. इंडिया रिप्रेजेंट 5 biomes, 25 biogeographic zones एंड 20 बायोजियोग्राफिक जोन्स एंड 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस. ओके तो आंसर आ रहे हैं डी डी डी. इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. ओके इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. स्वाति कुमार कह रहे हैं सी. शिव कह रहे हैं 8 का बी आंसर है. ओके बाकी लोग बेटा फटाफट आंसर दीजिए. कपिल सिंगला कह रहे हैं डी. निशा जा कह रहे हैं बी. ओके स्वाति कुमार कह रहे हैं सी. निशा जा शिवानी राणा डी. स्वाति कुमार डी. आंसर है इसका बेटा बी. आंसर है इसका बी. शायद बहुत ज़्यादा छोटा लिख दिया है, कोई बात नहीं. आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि व्हाट एग्जैक्टली लिखा गया है इसके अंदर. देखिए लर्निंग हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये काफ़ी सिंपल, आपको फॉन्ट दिख नहीं रहा होगा तो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ दिस स्लाइड एंड आई एम डिस्कसिंग इट विद यू. बेटा इशू ये है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर देर आर 2 ज्योग्राफिकल रैम्स.
देर आर टू ज्योग्राफिकल रैम्स, ओके, इंडिया में कितने हैं? टू, टू जियोग्राफिकल रैम्स, फर्स्ट इज द हिमालयन रीजन, ओके, जिसको हम कहते हैं पैलियाट्रिक रैम, PALE आर्टिक, पैलियाट्रिक रैम, ओके. सेकंड द रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, एक तो हिमालयन रीजन है एंड सेकंड द रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कि जो एक तो हिमालय और दूसरा रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, वो आता है, ओके, ये आता है मैलियन, इंडो मैलियन, इंडो मैलियन रैम के अंदर, ओके. उसके अलावा इंडिया के अंदर हाल फिलहाल कितने बायोम्स हैं? थर्ड स्टेटमेंट कह रहे थे कि 20 बायोम्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आज के दिन, इंडिया के अंदर आज के दिन जो बायोम है, पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता चुका कि बायोम होता क्या है. तो बायोम इज कि मेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए सर्टेन क्लाइमेटिक एरिया. एक क्लाइमेटिक एरिया है, एक क्लाइमेटिक एरिया है जिसमें कुछ सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं, सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल एवरग्रीन बायोम, ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन बायोम एंड सच, ओके, समझ रहे हो? तो यस, बायोजियोग्राफिक जोन इंडिया के अंदर 10 भी नहीं है बेटा, 5 बायोजियोग्राफिक जोन बायोम्स हैं, ओके, 5 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया के अंदर. वो पहला है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, पहला ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट जो कि हमारे इक्वेटर के पास भी पाया जाता है. कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार के अंदर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न वाले एरिया के अंदर पाया जाता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है, ओके. सेकंड है हमारे पास ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, जिसके अंदर मानसून फॉरेस्ट भी आता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, ओके. थर्ड है वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट्स, डेजर्ट हो गया थार डेजर्ट और सेमी डेजर्ट हो गया, जैसे वेस्टर्न हरियाणा, ओके, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, ओके. फोर्थ है कॉनिफोरस फॉरेस्ट, जो कि हाई एंड्स में मिलता है हिमालय के. एंड फाइनली जो और उससे भी आगे जो जाके मिलता है वो है अल्पाइन मीडोज. क्या है? अल्पाइन मीडोज. तो ये 5 बायोजियोग्राफिक जोन हैं इंडिया के अंदर. होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके. चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू आर द नेक्स्ट सेशन. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज? यस, 5 बायोम्स है. मैंने क्या बायोजियोग्राफिक जोन बोल दिया क्या? देन आई एम सॉरी, मैंने 5 बायोम्स ही बोला है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज, ओके, एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग? हाँ, बायोम्स 5 है, बायोजियोग्राफिक एरिया मैंने 20 लिख दिया था, वहां पे 10 आना था, ओके. सी, आई एडिटेड एंड पुट इट टू 20, दैट्स वाई द ऑप्शन बिकेम बी, 1, 2 एंड 4, ओके. थर्ड स्टेटमेंट गलत थी. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज? इनमें से कौन से क्राइटेरिया को यूज करते हैं इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर डीमार्केट करते हैं, या फिर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज को, टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व, इन सबको डीमार्केट करते हैं, तो किस कौन से क्राइटेरिया को यूज करते हैं? तो शिवानी राणा कह रहे हैं बी, चंद्रकांत रेड्डी कह रहे हैं डी, भवनेश वैष्णव कह रहे हैं डी. तो बायोम्स, बायोजियोग्राफिक जोन्स, बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस एंड डी, नन ऑफ द अबव. बताइए फटाफट, फटाफट बता दीजिए. कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज? प्रशांत गुप्ता डी, संगीता खैरा डी, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? स्वाति कुमार कह रहे हैं डी, ओके, स्वाति कुमार कह रहे हैं डी.
बेटा अभी तक आपका देखते हैं कितने बच्चों का जवाब सही है। निशा जा कह रहे हैं डी। बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का बी। इंडिया के अंदर 10 बायो ज्योग्राफिक जोन है, जिस लोगों की आप लोगों ने रट लगा रखी थी और मेरे को, ठीक है, इंडिया के अंदर टोटल 10 बायो ज्योग्राफिक जोन है। कितने जोन है? 10 बायो ज्योग्राफिक जोन है इंडिया के अंदर, ओके, जिसके बेसिस के ऊपर हमारे क्राइटेरिया सेट होते हैं, ओके, प्लांट्स और एनिमल्स के। तो जो 10 बायो ज्योग्राफिक जोन है, पहला जोन है ट्रांस हिमालयन जोन, आप लिख सकते हैं, सेकेंड है हिमालयन, तीसरा है डेजर्ट, चौथा है सेमी एराइड, पांचवा वेस्टर्न घाट्स, सी डेक्कन पेनिनसुला, सॉरी सिक्स है डेक्कन पेनिनसुला, सेवन है गैंगेटिक प्लेन, एट्थ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नाइन्थ है आइलैंड्स एंड टेंथ कोस्ट, ओके। सो आप सबका आंसर गलत है, आप सबका आंसर गलत है, सेकंड है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। बायोजोग्राफी डील्स विद द बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बायोजोग्राफिक जोन्स वर यूज्ड एज फॉर द बेसिस ऑफ प्लानिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, ओके, इट इज इन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप जाके देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री, वहां पे ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स ऑफ ओरेक्स एंड चिरू, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स ऑफ ओरेक्स एंड चिरू। अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आता है हर साल प्रीलिम्स के अंदर, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा है। शिवानी राणा कह रहा है कि सर बी मेरा करेक्ट था, ओके शिवानी राणा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स ऑफ ओरेक्स एंड चिरू। एवरी ईयर यू विल गेट वन क्वेश्चन लाइक दिस उन्हें पर्टिकुलर स्पीसी, याद एक बार वाइल्ड एस के ऊपर क्वेश्चन आया था इस तरीके से, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक बार मैनग्रोव के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो जानवर के ऊपर नहीं था वो, पेड़ के ऊपर था बस। सो ऑन पर्टिकुलर स्पीसी यू विल गेट वन आंसर, ओके। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स ऑफ ओरेक्स एंड चिरू। ओरेक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड अराइड एरियाज, व्हाइल चिरू इज अडेप्टेड टू लिव इन स्टिपी स्टेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स, ओके। सेकंड, ओरेक्स इज पोच्ड फॉर इट्स एंटीलर्स, व्हाइल चिरू इज पोच्ड फॉर इट्स मस्क। सी, ओरेक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली, व्हेयर एज चिरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। एंड डी, नन ऑफ द ए बी सी गिवन स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, ओके, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड स्पीड, वी हैव टू मेंटेन दैट स्पीड, ओके। 20 सेकंड्स, 10 का आंसर है, थोड़ा तेज हो जाइए, आप लोग सुस्त हो गए हैं लग रहा है मेरे को। चलिए फटाफट, चलिए चलिए चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स एंड ओरेक्स एंड चेरू। चेरू तो आंसर आए मेरे पास ए ए ए ए ए, ओनली ए आंसर अभी तक मेरे पास आए हैं, तो आंसर आपको बता देता हूं मैं, आंसर इज ए। चिरू है जो वो ठंडे इलाके में रहता है, जो ओरिक्स है वो गर्म इलाकों के अंदर रहता है, ओके। दोनों एंटीलोप्स ही मतलब हिरण वाली प्रजाति के हैं, ओके। स्वाति कुमार नोट सी, इट्स आंसर इज ए, ओके, हिरण के प्रजाति के होते हैं दोनों, जो जैसे हिरण आपको दिखते हैं बारासिंगा टाइप्स, तो दोनों एंटीलोप्स ही हैं, बट दे आर बोथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसी, कि एक वेस्ट, एक अपने यहाँ पे जो सेमी एराइड एरिया, जो हॉट वाला एरिया, एक वहाँ रहता है और एक ठंडे इलाकों में रहता है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, यूकलिप्टस, गोल्ड फिश एंड हाउस गेको। द अबव स्पीसीज आर कीस्टोन स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज एंड डी इन्वेजिव स्पीसीज। यूकलिप्टस, गोल्ड फिश, हाउस गेको, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, कम ऑन। कौन 11 के आंसर आने लगे हैं, लोग कह रहे हैं डी डी, संगीता खैरा कह रहे हैं डी, ओके, श्वेता सियाग भी कह रहे हैं डी, संगीता खैरा, सोनाली मेहरा, विवेक गर्ग, शिवानी राणा, ओके, डी डी डी। चलिए, चलिए आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, सम ऑफ देम टेन टर्न इन्वेजिव, ओके, चंद्रशेखर कह रहे हैं सी, ओके, मतलब कि कई बार आपके जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बाहर से कोई स्पीसी इंटेंशनली
या फिर अनइंटेंशनली ला के डाल दिया जाता है, आ जाता है वो। कई बार शिप का जो ब्लास्ट वाटर होता है उसके साथ आ जाता है। ओके, शिप को स्टेबल रखने के लिए पानी भरा जाता है समुंदर का, और आके फिर पोर्ट के ऊपर उसको निकाल दिया जाता है, तो वहाँ से भी बहुत सारे एलियन स्पीसीज आ जाते हैं। ओके, इसकी वजह से कई बार डेलिब्रेटली किसी चीज़ को कंजर्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे यूकलिप्टस को प्लांट किया गया था, तो वो स्पीसीज बाद में जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ पे उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगते हैं। जब वो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगते हैं तो एट दैट टाइम दे हैव प्रॉब्लम्स, और जिसको जैसे उनको कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज, दे आर वेरी हार्मफुल टू द इंडिजीनियस या फिर कहें द लोकल बायोडाइवर्सिटी, उनके लिए काफ़ी वो नुकसानदेही होते हैं। ओके, चलिए तो आपको बता देता हूँ कि गोल्ड फिश को पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड उनको माना जाता है कि वो क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं। यूकलिप्टस को साउदर्न इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था तो वहाँ पे माना जाता है, और हाउस गेको को जो मेडिटेरेनियन हाउस गेको है, ओके, वो हर जगह मानी जाती है कि जब भी वो कहीं जाती है तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दैट इज ए गेको, मतलब छिपकली यार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, 1972। सेकंड, द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दो जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर डी नीदर वन नॉर टू। तो प्लीज, इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात हो रही है, इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इको सेंसिटिव जोन। ओके, सो आंसर आने स्टार्ट हो गए। प्रशांत गुप्ता कह रहे हैं ए, संगीता खेरा कह रही हैं ए, ओके, बाकी लोग, स्वाति कुमार ए, भावेश वैष्णव ए, ओके ओके ओके, चलिए ए कह रहे हैं, चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इसका डी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है बेटा, ठीक है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इको सेंसिटिव जोन को बनाया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इको सेंसिटिव जोन को बनाया जाता है। तो जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है डी उनका करेक्ट है, जितने बच्चों ने बी ए बी सी आंसर दिया है उनका गलत है। बस सेकंड स्टेटमेंट आप समझ ही गए होंगे, इको सेंसिटिव जोन क्यों बनाए जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन बनाए जाते हैं जो कंजर्वेशन एरिया होता है, फॉर एग्जांपल कोई पार्क या सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क या सेंचुरी होती है, उसके आसपास वाले एरिया को इको सेंसिटिव जोन कर दिया जाता है कि यहाँ पे भी अब ज़्यादा डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल माइनिंग नहीं होगी कॉमर्शियल वहाँ के ऊपर, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे नहीं होंगी, लेकिन बिना हार्म किए वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ परमिट करी जा सकती हैं, एग्रीकल्चर वहाँ पे परमिट किया जाता है। ओके, तो इको सेंसिटिव जोन के अंदर हार्मफुल चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं वो एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बैन किया जाता है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलती रहती हैं, एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग ऑन ए गुड स्पेस, सो आई एम इंक्लाइंड टू आस्क यू द स्कोर्स। टोटल बताना 12 में से कितना है, 12 में से स्कोर बताओ बेटा, जरा फटाफट 12 में से स्कोर बताइए, गिव मी द स्कोर। चलिए, गिव मी द स्कोर। ओके, याद रखिए 12 हमने कर लिए हैं, 12 क्वेश्चन और करने हैं, 12 क्वेश्चन और करने हैं। चलिए, 7/12, आज क्या बात बेटा, स्कोर थोड़ा नीचे जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, प्रशांत गुप्ता कह रहे हैं आई स्टार्टेड लेट, व्हाई, अब तो 4 बजे भी टाइम कर दिया तब भी लेट आ रहे हो। चलिए, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व, पहली स्टेटमेंट कहती है द एम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड साथ में ट्रेडिशनल लाइफ्स ऑफ ट्राइबल एंड लिविंग एरिया। मतलब कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज को तो कंजर्व कर ही रहे हैं, साथ के साथ वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज बैंड, एक आर आना चाहिए यहाँ पे, थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बैंड विद इन बायोस्फीयर, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है। थर्ड है, बायोस्फीयर रिजर्व हैव वन और मोर नेशनल पार्क्स
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन देम, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 and 3 ओनली, 2 and 3, 3 ओनली या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। कम ऑन, चलिए चलिए, निशा झा का स्कोर अच्छा चल रहा है अभी 18.67, रूही का स्कोर भी अच्छा चल रहा है, बट दे ही सही है, शिवानी राणा 13 का ए कह रहे हैं, 1 and 3 ओनली ए, स्वाति कुमार ए, भवनेश वैश्य, भावेश वैष्णव ए। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात हो रही है, बायोस्फीयर प्रशांत गुप्ता कह रहे हैं ए, ओके। तो चलिए 20 सेकंड आप लोगों के पास एंड 10 सेकंड और दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका स्टैटिक पार्ट के अंदर आता है एनवायरनमेंट के, और आप लोगों को लगता है कि इसको तो पढ़ ही लिया है, क्लास में करवा ही दिया होगा। आपको पता है कि यूपीएससी वाले जब क्वेश्चन पूछने के ऊपर आते हैं तो यू नीड टू गेट ऑल द एस्पेक्ट वेरी क्लियर इन योर माइंड, द कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। चलिए आंसर देख लेते हैं 13 का, बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर दिया है, 13 का आंसर दिया है आपने ए, 13 का आपने आंसर दिया है ए, आंसर दिया है आपने 13 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और आज पीपीटी का साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, इवन आई कैन रियलाइज दैट, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया लगता है, जिसकी वजह से पीपीटी का साइज छोटा हो गया, ओके, बट नो इश्यूज, कोई बात नहीं। देखिए द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये क्या कह रहा है आपको, सॉरी द बायोस्फीयर रिजर्व है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपको पता है इसके अंदर तीन एरिया होते हैं, बफर जोन होते हैं, ट्रांजेक्शन जोन होते हैं, तो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म आर परमिटेड, ठीक, किसके अंदर, ट्रांजेक्शन एरिया के अंदर ये परमिटेड होती हैं, ओके। जो बफर जोन होता है उसके अंदर सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन परमिट की जाती है, ओके। सो इसलिए तो इसलिए 13 का आंसर आप सबका करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर, सेकंड स्टेटमेंट थी वो गलत थी, सेकंड स्टेटमेंट थी वो गलत थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द टाइगर रिजर्व्स दे आर वेरी सिमिलर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड गवर्न अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ओके, व्हाट दे आर सेइंग, दे आर वेरी सिमिलर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड गवर्न अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट कह कि टाइगर रिजर्व्स आर मॉनिटर्ड एट स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स, ये कहते हैं। थर्ड कहने टाइगर रिजर्व डू नॉट फॉलो द जोनेशन प्लान, जैसे कोर वाला होता है ना, कोर ट्रांजेक्शन एरिया बफर जोन, तो वैसे वो जोनेशन प्लान को फॉलो नहीं करते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो शिवानी राणा का आंसर आ गया 14 का, 1 and 3 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ओके, डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दे आर सिमिलर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्न अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चंद्रकांत रेड्डी कह रहे हैं 14 का बी, ओके, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी। दिस इज द क्वेश्चन इज फ्रॉम द इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, नया कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ओके। अभी तक इतना हाईलाइट नहीं था, लेकिन क्योंकि अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स और इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स सेम ही हो गया, जिसकी वजह से अब जो आपको फॉरेस्ट गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब से हुआ है तब से ही पूछे जा रहे हैं, तो आंसर आ रहे हैं ए या बी। बाकी लोग भी फटाफट आंसर दे दीजिए, अदरवाइज मैं आंसर बता दूंगा, फिर बाद में मत कहना कि सर डिडंट वेटेड फॉर अस, यू हैव 5 मोर सेकंड्स टू गो, 5, 4, 3, 2, 1, नो बडी गिव आंसर। स्वाति कुमार ने आंसर दिया, चंद्रकांत रेड्डी ने आंसर दिया, प्रशांत गुप्ता ने आंसर दिया। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, आंसर है इसका बी। सबसे पहले जैसे कि जो टाइगर रिजर्व है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बनाए गए हैं, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, जो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि पहले स्टेटमेंट के अंदर कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाए गए हैं, एक्जैक्टली टाइगर रिजर्व भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही बनाए गए हैं, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट गवर्न देम, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट गवर्न देम, दे आर मॉनिटर्ड, द प्रोजेक्ट इज मॉनिटर्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके, एंड द टाइगर रिजर्व क्रिएटेड इन कंट्री बेस्ड ऑन कोर एंड बफर स्ट्रेटर्जी, उनके अंदर भी दो जोन होते हैं, कोर और बफर, कोर भी होता है और बफर भी होता है। कोर एरियाज के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं आती है, उनको लीगल स्टेटस होता है, या तो नेशनल पार्क होता है वो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ओके। प्लस इवन द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ग्रेजिंग एंड अदर ह्यूमन डिस्टर्बेंस, इवन दैट दे आर नॉट अलाउड इन द कोर एरिया,
ओके तो होपफुली आप लोगों को जिन बच्चों ने बी आंसर दिया दे आर वेरी करेक्ट, जिन्होंने आंसर दिया दे आर नॉट सो करेक्ट। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क के ऊपर से, आपको पता है ये सिंपल वाला है, इससे आगे वाला टफ वाला आएगा। तो देख लेते हैं आप लोग कौन कौन से आंसर दे पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन कौन से पेयर हैं जो कि इनकरेक्टली मैच्ड हैं। पहला पेयर है गुरु घसियादास नेशनल पार्क और स्टेट है उसका वेस्ट बंगाल, सामने लिखा हुआ है या नहीं पता नहीं मुझे। नगर होल कर्नाटका के अंदर है और न्योरा वैली छत्तीसगढ़ के अंदर, ये तीनों पेयर्स कह रहे हैं। भावेश वैष्णव कह रहे हैं कि इन द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वाज आस्क्ड, करेक्ट पूछा है बेटा, करेक्ट ही पूछा था लास्ट स्टेटमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वी हैव आस्क्ड द इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में वी हैव आस्क्ड इनकरेक्ट, इनमें से कौन कौन से पेयर इनकरेक्टली मैच्ड हैं। ओके गुरु घसियादास, नगर होल और न्योरा वैली, ये तीन नेशनल पार्क्स हैं। आंसर आए हैं 14 वाज करेक्ट, आई हैव चेक्ड अगेन। चलिए पीयूष सेठ ए कह रहे हैं, जितने भी बच्चे कह रहे हैं ए, ओके ए कह रहे हैं। दीपक शर्मा कह रहे हैं ए। सो इफ यू आर एंजॉयिंग द T20 विद अस देन प्लीज रजिस्टर ओके ऑन आवर पोर्टल, प्लस वी आर प्रोवाइडिंग ए फ्री टेस्ट सीरीज फॉर दोज हु आर रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल, प्लस अलोंग विद दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री सीसेट टेस्ट सीरीज। ओके स्वाति कुमार भी कह रहे हैं 14 का क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट है। ओके यस 1 और 3 करेक्ट है, तो शायद यहाँ पे मार्क गलत हो गया, कोई बात नहीं यहाँ पे मार्क गलत हो गया जिसकी वजह से ए इज द करेक्ट आंसर, मैंने यहाँ बी लिख दिया है। यस ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टेटमेंट दोनों सही एक्सप्लेन किए मैंने, बस वो बाद में टाइपो है वो कि बी हो गया, वो हो जाता है हर बार, हर वी मेक 50 स्लाइड्स उसमें से एक स्लाइड में तो हो जाता है, तो यू हैव टू गिव दैट मच ऑफ मार्जिन ऑफ एरर टू अस। ओके इवन यूपीएससी भी कई बार गलती कर देती है, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही स्वाति कुमार। प्लीज नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 15 एंड आंसर द कि इनमें से कौन कौन सा पेयर गलत तरीके से मैच्ड है। ओके कपिल सिंगला कह रहे हैं ए, 15 का कह रहे हैं, पीयूष सेठ कह रहे हैं ए। यस बिल्कुल 1 और 3 था, आप लोगों का आंसर आप सही लगा लीजिए जिन्होंने आंसर दिया था। यू गाइज आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। चलिए चलिए आंसर 15 का ए, 15 का आंसर है ए, गुरु घसियादास जो नेशनल, घसीदास जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, नगर होल नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है और न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर है। ओके यस चलिए ए ए इज द करेक्ट आंसर 15 का भी। चलिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्स नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क के बाद एक नेशनल पार्क के बारे में बात की है, तो वो नेशनल पार्क का हमने नाम दिया एक्स, इस एक्स का नाम बताना है आपने, इस एक्स का नाम बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्स नेशनल पार्क। ओके तो पहली बात है इस्टाब्लिश्ड एज ए सेंचुरी एंड लेटर डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है उस एक्स नेशनल पार्क के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट है द नेशनल पार्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हेयर एक्स इज, यहाँ पे एक्स क्या है, नाम धवा नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, केबिल लाम जो नेशनल पार्क है या फिर डी मानस नेशनल पार्क है, बताइए फटाफट 16th का आंसर बताइए फटाफट। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बेटा, चलिए आंसर ज्यादातर कह रहे हैं मानस नेशनल पार्क, एक बार और देख लीजिए। कपिल सिंगला कह रहे हैं डी, पीयूष सेठ कह रहे हैं डी, स्टडी लवर दिवेश कह रहे हैं डी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे बाकी लोग। स्वाति कुमार कह रहे हैं ए, श्वेता सिया कह रहे हैं ए, नाम धपा
स्टिल सर्चिंग फॉर द करेक्ट आंसर. कहा था ना ये वाला आसान है पहले वाला और अगले वाला मुश्किल है, ठीक है बोला था ना. चलिए बताइए बताइए, फ्रॉम द लास्ट थ्री ईयर्स यूपीएससी इज आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, पिछले तीन साल से पूछ रही है. श्रोई कह रहे हैं बी औरंग नेशनल पार्क. चलिए स्वाति कुमार कह रहे हैं ए, भावेश वैष्णव कह रहे हैं ए. तो बड़ा आंसर बता देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों का. आंसर इज बी, औरंग नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर. औरंग नेशनल पार्क. ओके इसको इसका दूसरा नाम है मिनी काजीरंगा. औरंग नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर. चलिए मानस रोयल. ओके चलिए आंसर 17. अगेन द एक्स टाइगर रिजर्व डू नॉट हैव एनी टाइगर्स इन इट. कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर टाइगर ही नहीं है? डैम्पा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व या फिर बक्सा टाइगर रिजर्व? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये ऐसे आपको ऐसे होल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकते हैं कि ऑल द टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइगर्स इन देम, दैट्स व्हाई दे आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व. ओके चंद्रकांत रेड्डी कह रहे हैं 17 का ए कह रहे हैं वो, डैम्पा टाइगर रिजर्व. बाकी शिवानी राणा ये कह रहे हैं, भावेश वैष्णव कह रहे हैं डी. ओके स्वाति कुमार कह रहे हैं ए 17 का. कमऑन बेटा गिव मी द आंसर. रोक करोगे आप लोग? चलिए चलिए बताइए फटाफट. आंसर. रूही ये कह रहे हैं डैम्पा टाइगर रिजर्व. डम्पा इज ए टाइगर रिजर्व और डम्पा का मतलब होता है आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब होता है डम्पा का. नामदफा, मेलघाट, बक्सा, बाकी होगा मेरे को नहीं पता. चलिए तो आंसर है इसका ए इज द करेक्ट आंसर. डम्पा टाइगर रिजर्व है, इज अ टाइगर रिजर्व इन द वेस्टर्न मिजोरम. ये कहाँ है? वेस्टर्न मिजोरम के अंदर टाइगर रिजर्व है. कहाँ पे है? वेस्टर्न मिजोरम के अंदर ये टाइगर रिजर्व है. ओके देखिए आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, पूरी स्लाइड्स आपको क्लियरली लिख जाएगी वहाँ पे. ओके सो प्लीज़ इस यहाँ पे पीडीएफ है जो आज वाला पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लीजिएगा. ओके चलिए द डैम्पा टाइगर रिजर्व और द डैम्पा टाइगर रिजर्व इज अ टाइगर रिजर्व इन वेस्टर्न मिजोरम. ठीक है इट कवर्स एन एरिया ऑफ 500 किलोमीटर. ये लुसाई हिल्स है जो मिजोरम में वहां पड़ता है. और 2018-19 के अंदर जब सेंसस हुआ था तो वहां पे एक भी टाइगर नहीं पाया गया. हाउएवर द डैम्पा टाइगर रिजर्व इज फेमस फॉर द क्लाउडेड लेपर्ड. क्लाउडेड लेपर्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन डैम्पा टाइगर रिजर्व के अंदर, इट इज वेरी फेमस फॉर दैट. एंड ठीक है 1994 के अंदर 4 बंगाल टाइगर वहां पे थे, लेकिन 2019 तक आते आते सारे के सारे टाइगर्स वहां पे खत्म हो गए. ओके एंड डैम्पा टाइगर रिजर्व हैज वन ऑफ द हाईएस्ट क्लाउडेड लेपर्ड पॉपुलेशन इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ओके चलिए निशा जी स्किप. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज. इनमें से कौन से इंपैक्ट हैं? दीपक शर्मा कह रहे देर इज नॉट ए सिंगल टाइगर इन बक्सा टाइगर रिजर्व 2. ओके इफ दैट द केस आई कैन चेक, आई डू नॉट नो अबाउट बक्सा टाइगर रिजर्व. ओके बाकी जहां तक मैंने देखा था कि देख लेते हैं, बट स्टिल इफ दैट इज द केस देन इट कैन बी एन एडिशन टू द कंटेंट टूडे. ओके चलिए दीपक शर्मा जी और भावेश यादव वैष्णव जी इफ दैट इज द केस. चलिए बाकी डैम्पा टाइगर रिजर्व ऑल्सो डू नॉट हैव एनी टाइगर इन इट. द मेन लर्निंग विच मैंने आपको क्वेश्चन से पहले भी आपको बताया था कि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट दे कैन आस्क ए स्टेटमेंट अबाउट इट एंड इफ यू नो दैट देन व्हाट यू कैन डू, आपको वहां पे वो स्टेटमेंट एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं. तो 18वां क्वेश्चन आ गया और 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बता दीजिए. इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन है 18. इसमें थोड़े ऑप्शन इधर हो गए, आई डोंट थिंक यू पीपल विल माइंड दैट. ओके इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, द डिक्रीज इन एंडेमिक स्पीसीज, डिग्रेडेशन ऑफ द मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इंक्रीज इन स्टॉक यील्ड्स. तो इसका आंसर है बी 2 और 3 ओनली. ओके ऑब्वियसली बात है द इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में आपको बता चुका हूँ. एलियंस आर स्पीसीज, एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन द एनवायरमेंट. ओके और उनसे ये इफेक्ट होता है. द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिक्लाइन ऑफ नेटिव स्पीसीज, एंडेमिक्स जिसको हम बोलते हैं, और फाइनली हैबिटेट लॉस, ये सारी चीज़ें होती हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, द एडवांस्ड इन्फॉर्म एग्रीमेंट अप्लाइज टू द फर्स्ट इंटेंशनल ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ओके, फॉर इंटेंशनल इंट्रोडक्शन इन टू द एनवायरमेंट ऑफ द पार्टी ऑफ इम्पोर्ट. मतलब कि अगर आप कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ओके, दूसरी कंट्री के साथ जहाँ पे आप, जहाँ से आप एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं. तो दैट इज थिंग कि एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या भेज रहे हो वहाँ पे, ओके. तो ये कब आया है, ये नागोया प्रोटोकॉल के अंदर आया है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आया है, ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर आया है, या फिर ये साइट्स के अंदर आया है, ओके, बताइए. सोनाली मेरा कह रहे हैं C19 का आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, ओके, इट वाज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. चलिए, श्वेता कह रहे हैं सी, ओके ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था तो फटाफट आंसर आ रहे हैं. आंसर इज सी, द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म. तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या आ रहा है बाहर से. फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना हमारे को भेज रहा है कुछ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ओके, तो आपको चाइना को, चाइना आपको बताएगा कि भैया हम ये भेज रहे हैं, भेजें या ना भेजें बताना पड़ेगा, ओके. एक स्टैंप भी लगती है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ईस्टर्न हिमालयन वेस्टर्न घाट्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द मोस्टली कन्फाइंड टू द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, एंड इट रिप्रेजेंट्स रीजन्स दैट हैव एक्सपीरियंस्ड कंसिडरेबल हैबिटेट लॉस बट नॉट प्रेजेंट चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, ओके. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है क्वेश्चन नंबर 20 का, मुझे आपसे आंसर चाहिए. ओके, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट. वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव. आंसर आना स्टार्ट हो गया, थ्री ओनली. चलिए, चलिए, स्वाति कुमार कह रहे हैं सी, दिवेश कह रहे हैं सी, कपिल सिंगला कह रहे हैं सी, दीपक शर्मा कह रहे हैं सी, रूही कह रहे हैं सी. चलिए आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर है इसका डी. बेटा आखिरी स्टेटमेंट पढ़ो, बाकी तो आप लोगों को पता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आखिरी स्टेटमेंट पढ़ो. देखिए, जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद वहाँ पे लैंड यूज पैटर्न को चेंज नहीं होने देते हैं. तो द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. डी क्या कह रहे हैं, ओके, समझ रहे हो. और इंडिया के अंदर आज के दिन पहली स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि ओनली नहीं लिखा है स्टेटमेंट के आगे. वैसे इंडिया के अंदर आज के दिन चार हॉटस्पॉट हैं, चार हॉटस्पॉट हैं, ओके. गेटिंग माय पॉइंट और नो? चलिए, आंसर इज डी. चलिए, निशा जा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. द एक्ट वॉज ब्रॉट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोन कन्वेंशन. It aims at fair and equitable sharing of benefit arising out of utilization of genetic resources. The Act established two-tier structure at national and state level only to regulate access to the biological resource. So this is what. Okay, चलिए चलिए. दीपक शर्मा कह रहे हैं ए, सोनाली मेहरा कह रहे हैं बी, ओके. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, चंद्रकांत रेड्डी कह रहे हैं 21 का बी, स्वाति कुमार कह रहे हैं 21 का डी, ओके. बाकी भाई लोग कहाँ हैं बताइए, ओके, 21 का डी. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. निशाजा बी, शिवानी राणा बी. चलिए, बहुत सही. जिन बच्चों का बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, जिन बच्चों का बी आंसर है उनका बिल्कुल करेक्ट है. देखिए, जो बायोडाइवर्स इसके अंदर थ्री टायर के ऊपर, ओके,
बायोलॉजिकल अथॉरिटी बनाई गई है, सॉरी बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई है, कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो स्टेट लेवल के ऊपर बनाई गई, नेशनल लेवल के ऊपर बनाई गई और साथ में लोकल लेवल के ऊपर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी बनाई गई है। दैट वाई द आंसर इज बी, ओके, टू ओनली, एंड इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ द बोन कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन वाज सेट अप इन 2003, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इट्स ऑब्जेक्टिव? लॉन्ग टर्म बेटरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ओके, सेकंड है मेंटेनिंग द नेशनल कमिटमेंट फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, एंड थर्ड, ओके, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर देयर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉर टू। बताइए फटाफट, आंसर बताइए फटाफट। लॉन्ग टर्म बेटरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, मेंटेनिंग ऑफ नेशनल कमिटमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, बताइए नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। चलिए चलिए चलिए, 22nd का आंसर आना स्टार्ट हो गया, सी आंसर है, कह रहे हैं शिवानी, ओके, भावेश वैष्णव भी कह रहे हैं सी नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के बारे में, बाकी लोग कमऑन कमऑन कमऑन, शो सम एपेटाइट टू स्कोर। चलिए 20 seconds आर देयर, 20 seconds आर देयर, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, चलिए फटाफट। प्रशांत गुप्ता कह रहे हैं सी, ओके, प्रशांत गुप्ता कह रहे हैं सी, भावेश वैष्णव सी। चलिए 20 seconds आपके ओवर हो चुके हैं और आंसर इज सी, आंसर क्या है आपका सी। तो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है, इसके एक अंदर ये 2003 के अंदर सेटअप किया गया था जस्टिस बीएन कृपाल की रिकमेंडेशन के ऊपर, जस्टिस बीएन कृपाल की रिकमेंडेशन के ऊपर ये सेटअप किया गया था। ये रिव्यू करता है और अभी की जो पॉलिसीज हैं उनको एसेस करता है कि भैया ये पॉलिसीज करेक्ट हैं या नहीं है, ओके, दिस इज व्हाट दे से। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following is our objectives of the Convention on Biological Diversity? Which of the following are Convention on Biological Diversity? The conservation of biological diversity, पहली तो ही है, second the sustainable use of the components of biological diversity, okay, third the fair and equitable sharing of the natural resources। इनमें से क्या क्या आप चीज पे ध्यान देता है, incorrect statement आपने बतानी है, क्या बतानी है, incorrect statement आपने बतानी है, please 23rd का आंसर दीजिए, विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या फिर डी नन ऑफ द अबाउ, डी नन ऑफ द अबाउ, कम ऑन आंसर प्लीज। 23 का सी कह रहे हैं, दीपक शर्मा कह रहे हैं डी, ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 23 बी निशाजा कह रहे हैं डी, कि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। श्वेता सियाग डी, शिवानी राणा डी। थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग आंसर करना बंद कर देते हो तो क्या सिर्फ सही सही आंसर करोगे क्या? एटलीस्ट इफ यू डोंट वांट टू आंसर देन यू कैन स्किप द क्वेश्चन, तो राइट स्किप इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, सॉरी, ओके। चलिए आंसर देख लेते हैं, प्रशांत गुप्ता भी कह रहे हैं डी, तो आंसर क्या है इसका, ए, आंसर इज ए, वन एंड टू ओनली, ओके। जो थर्ड स्टेटमेंट है, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट डज नॉट कम फ्रॉम द सीबीडी, ओके, हर चीज, ओके, सीबीडी, द सीबीडी इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इट इज इन फोर्स इन 1993, और इसके बेसिस, लेकिन हमारा जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग वाला है वो 2002 के अंदर इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट निकाला, भी आपको बताया, ओके, तो दिस इज द लर्निंग। जो लास्ट स्टेटमेंट है फेयर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, दैट कम्स फ्रॉम नागोया, नागोया से आया है वो। तो क्वेश्चन नंबर 24 कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी, कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्टेजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग इन टू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी।
and it was adopted by the Conference of Parties to the Convention of Biological Diversity in 2010. So please suggest me the answer. Come on, give me the answer. चलिए बताइए आंसर दीजिए. समझ में नहीं आया व्यावेशन तो देन यू कैन स्किप, देन यू कैन स्किप. ओके यू कैन स्किप. चलिए 24. सो बाकी सारे बच्चों ने जिनको समझ में आ गया उनका ज्यादातर आंसर करेक्ट ही आया. इसका आंसर यही है. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. थोड़ा बड़ा था तो आप लोगों को लगा कि टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है. जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ लिया दे ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर. चंद्रकांत रेड्डी कह रहे हैं सी. ओके देखिए, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए था, ये पिछले बार के अंदर था. ओके तो 24 का आंसर ए सबने बढ़िया करेक्ट दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सो टूडेज पीडीएफ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोन अपलोड द पीडीएफ बाय द इवनिंग. So if you want to get access to the PDF, then obviously you have to register on the link given below. And please share our session, please share our initiative. This is our only request to you guys. And stay connected with us. कल आपकी geography class है जो कि रुचि का मैम most probably लेंगे. Okay? So, चलिए. तो please, if you want to get the cut off tomorrow, आपको कम से कम जितने बच्चे आप यहाँ जुड़े हुए हो, आपको सबको अपने marks नीचे बताने चाहिए. This is what I suggest. I don't force you. बट इफ़ यू फाइंड कि भैया ठीक है हम नहीं बताएंगे मार्क्स तो ओके इट इज़ अप टू यू, आप मत बताइए. बट वट वी वॉन्ट टू डू, वी वॉन्ट टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. सो यू हैव टू सपोर्ट अस इफ यू वॉन्ट अस टू प्रोवाइड यू द कट ऑफ्स, बिकॉज आवर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एज पर स्टैंडर्ड ऑफ UPSC आपको भी पता हो गया होगा अब तक. ओके दिस वॉज द 15th डे, 15 दिन हो गए हैं और हमने अपनी. भवेश वैष्णव कह रहे हैं 23rd का थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट कैसे है, बिकॉज दैट इज नॉट फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट वाज फ्रॉम द नागोया प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी. द थर्ड स्टेटमेंट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही थी, CBD के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात हुई थी, नॉट द जेनेटिक रिसोर्सेज. दैट्स वाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द 23rd स्टेटमेंट. ओके कट ऑफ प्रशांत गुप्ता जी, आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कितने कितने आए हैं, देन व्हाट वी गोना डू, हम कल आपको बताएंगे कट ऑफ. चलिए तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए वेरी नाइस इवनिंग. ओके एंड इफ यू रियली वांट टू स्टडी तो अभी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट होने वाली है, अभी PDA रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर एट 5:30 यू कैन जस्ट गो देयर एंड वॉच द बायोलॉजी क्लास. ओके बायोलॉजी की क्लास वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, आप यू कैन वॉच एंड गो एंड बायोलॉजी क्लास आप वहाँ पे देखिए. ठीक है सो थैंक यू वेरी मच. और टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफ़ यू वांट टू बाय द टेस्ट सीरीज कल आपको डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ परसों जो मेरा सेशन है, बिकॉज वी हैव नोन द टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सिविल सर्विसेज के लिए, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी पॉकेट फ्रेंडली. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे.